तक मेरी समझ की बात है, कल मैं भी चंडीमढ़ से आया था। हमारी जो यहाँ तहसील की इंतजामिया बिलखसूस डी वाई एस पी साहब जो एस डी पी ओ हैं और एस एच ओ साहब दोनों ने और ट्रैफिक डी वाई एस पी जो हमारे पी साहब हैं उन समेत इन तीनों जुमा ने कल 3 दिन से बड़ी कोशिश की है कि यहाँ कोई जामिंग ना हो। डोगरा से लेकर टूवर्ड्स बफलियाज और बफलियाज से बाया फजलाबाद और ये जो द्रावा वाली रोड है इसको क्लियर रखने के लिए मैंने कल देखा कि भाई उनकी यूनिफॉर्म भी ख़राब हो चुकी थी। तो अब कई किस्म के मॉड्यूल हैं तो वो लोग नहीं चाहते कि ये बाइज़त गाड़ियां चलें, ये निज़ाम ठीक रहे। तो अगर कहीं पुलिस रोकती है कि इन गाड़ियों को स्टैंड बाई रखिए, कोई वी आई पी को मूवमेंट थी तो वो जा रहे थे तो वो कोई रोकी हुई थी गाड़ियां, तो किसी मेरे कोई साथी ने रजौरी से आके एक बाइट की है कि गाड़ियां अननेसेसरी रोकी हैं। तो मैं उसको ये बाबर करवाना चाहता हूं कि ये जो गाड़ियां रोकी हैं इनके बीचों बीच एक बाज़ार भी है जहां 24 घंटे जहां यानी सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं। तो दोस्त यहां भी मीडिया वाले काम करते हैं, लोग भी समझते हैं और हमारी जो पूरी पुलिस है, पूरी फोर्स है, वो ट्रैफिक के रूप में है, वो डी वाई एस पी साहब की जो निगरानी में एस ओ जी काम करती है या एस एच ओ साहब की निगरानी में काम करती है, जो हमारा एस एच ओ बैरमगढ़ है उसकी निगरानी में काम करती है, बड़ा अच्छा काम करते हैं। स्मूथली गाड़ियां चल रही हैं, जामिंग को तोड़ रहे हैं, जामिंग को चला रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं हायर अथॉरिटी को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके जो अफसरान हैं और आपकी नफरी है बेहतरीन काम चल रही है, वरना बहुत परेशानी। जो एक क्योस बना हुआ है सुरनकोट में ट्रैफिक को लेकर, खासकर जो हमारे जो ट्रक्स हैं या दूसरी गाड़ियां जो हैं जो मुगल रोड से ट्रैवल करती हैं और श्रीनगर जाती हैं, क्योंकि वो वाला एरिया इस बार जो है वो रामबन वाला वो डिस्टर्ब है। तो सुरनकोट टाउन जो है या द्राबा बफलियाज हमारा ये जो स्ट्रेच है, एक तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी रोड बन रही है इसकी, और दूसरा हमारा टाउन या बाकी इलाके जो हैं ये बड़े कंजस्टेड से हैं। तो नो डाउट के जो हमारे लोग हैं जो रूटीन डेली ट्रैवलर्स हैं जो रोज़ अप एंड डाउन करते हैं, उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। जिस तरह हम घर से आते हैं हमें भी बड़ी दिक्कत और मशक्क़त आ रही है, और रोड जो है वो डाइवर्ट है, रोड मोस्टली जो है ट्रक्स फजलाबाद की तरफ से जा रहे हैं या द्राबा और बफलियाज की तरफ से वापस आ रहे हैं या बाकी जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं। आजकल आपको पता कि फ्रूट सीज़न है और काफ़ी प्रेशर है, और नो डाउट कि जो हमारी पुलिस है JKP और जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर डूइंग देयर रोल बेस्ट। हमारे SDPO साहब, हमारे SHO साहब, और कल आपको याद होगा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत साहब ने भी जो है मुगल रोड का दौरा किया है, और उन्होंने कोई 3-4 दिन का टाइम लिया है कंपनी से जो धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो ये वाला स्ट्रेच पूरा देख रही है बफलियाज से लेकर सुरनकोट तक। और ख़ासकर आफ्ताब साहब का जो रोल है जो DSP ट्रैफिक हैं रजौरी पुंछ के, और मैं ये कहूँगा कि ये इस तरह के जो हमारे पास मामलात आते हैं जब, तो हमारा सुरनकोट का जो एरिया है ये रामबन से कम नहीं है। हालांकि यहाँ कोई शूटिंग स्टोन या लैंडस्लाइड नहीं होती, लेकिन फिर भी जो कंजेशन की वजह से या जो हमारी रोड जो है बिल्कुल वो बिल्कुल तंग है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एक मेस बना हुआ है, खासकर जो रोड बिल्कुल डिग्रेड हो गई है और उस कंपनी ने बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे सुरनकोट का, पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, खासकर जो लोग चंडीमढ़, पुशौना, सैलम, बैरमगला, बफलियाज वाली साइड हैं जो लोग या द्राबा वाली साइड हैं या फजलाबाद वाले जो लोग ट्रैवल करते हैं, तो एक मरतबा फिर मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये गुजारिश करूंगा, मैं SSP पुंछ से, मैं डिविजनल कमिश्नर से, इवन के LG इंतजामिया से, या तो उस कंपनी को बिल्कुल ब्लैक लिस्ट किया जाए क्योंकि उसने तमाम बेड़ा गर्क कर दिया है, पब्लिक एक्सचेकर का भी लॉस हुआ है और उसी की वजह से जो है तमाम जो तलवार है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर या पुलिस पर गिरती है। जब तक रोड बिल्कुल ठीक नहीं होगी तब तक ये चीज़ें लगी रहेंगी, और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर पुलिस से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारे लोकल लोग हैं, चाहे वो यहाँ से ऊपर वाली तरफ जाते हैं मुगल रोड वाली तरफ, या वहाँ से कोई अपने शॉपकीपर्स हैं, कोई अपने बिजनेस यूनिट जो चला रहे हैं, या हमारे स्टूडेंट्स हैं सुबह